सावन महीने की दूसरी सोमवारी है। पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा कांवड़ यात्रा निकाला गया, जहां हजारों की संख्या में महिला पुरुष स्वर्णरेखा नदी घाट पहुंचे और वहां से जल भरकर बोलबम के नारों के साथ निकले। यहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रभात कुमार ने। पावन महीना चल रहा और ऐसे में आज दूसरी सोमवारी है। दूसरी सोमवारी पे पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा कांवड़ यात्रा निकाला जा रहा है। आप मेरे पीछे देखिए, भोलेनाथ शंकर के साथ में मैया पार्वती, उनके जितने भी जो बाबा गणेश है, भूत पिशाच, सारे लोग है यहाँ पे। देखिए, मैया पार्वती भोलेनाथ शंकर का रूप धारण किए हैं और पूर्वी सिंहभूम मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा ये कांवड़ यात्रा निकाला गया है। पहली बार निकाला गया है और मानगो के स्वर्णरेखा नदी घाट से ये कांवड़ यात्रा निकाले। देखिए, भारी संख्या में आपको नज़र आ रहे होंगे किस तरीके से भारी संख्या में महिला पुरुष, छोटे बच्चे की बात करें या लोगों की बात करें, सारे लोग स्वर्णरेखा नदी घाट से जल भरे हैं और जल भरकर कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ सांसद महोदय है। सांसद महोदय, क्या कहेंगे आज इतने बड़े आज ये मारवाड़ी सम्मेलन? भाई मुकेश मत्तल और इसका टीम को देख रेख में सुरभि साका द्वारा आयोजित है, जो काफी मात्रा में माता बहने पूरा भक्तजनों कांवड़ उठा लिए हैं। ये भी बहुत पवित्र संगम है, ये सुवर्ण घाट बोला जाता है, जिसमें खरकाई और सुवर्ण दोनों का मिलन है। इस जगह से जल उठाकर जो जल अभिषेक करेंगे, आज सोमवार दिन है, सावन का बहुत पवित्र महीना है, उत्तम दिन है, उत्तम दिन। क्या कहेंगे, पहली बार पूर्वी सिंहभूम मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा आयोजित किया गया है? पूर्वी मारवाड़ी समाज बहुत ही गतिशील प्रगतिशील समाज है और ये हर धर्म कर्म के मामले में हमेशा आगे रहता है। तत्वधान में ये कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। जो भक्त देवघर और दूसरे जगह जाकर जल नहीं चढ़ा सकते हैं, ये जो दो नदियों का संगम है खड़काई और स्वर्णरेखा, यहाँ से जल उठाकर शिव भक्त श्री श्री साक्षी शिव मंदिर के पवित्र प्रांगण में शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। ये भगवान शिव से प्रार्थना है कि जमशेदपुर वासियों पर, प्रदेश वासियों पर और पूरे भारत वासियों पर ये अपना कृपा बनाए रखे। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि यहाँ से कांवड़ यात्रा लेकर ये लोग सांची के जो शिव मंदिर है वहाँ जाके जलाभिषेक करेंगे। बोलबम के नारों के साथ पूरा ये जो स्वर्णरेखा नदी घाट है पूरा गूंज रहा। आप देखिए किस तरीके से सारे लोगों के चेहरे पे एक मुस्कान है और बोलबम के नारे के साथ कांवड़ लिए महिला पुरुष सारे लोग चल रहे हैं, जल भरकर जा रहे हैं बाबा को जल अभिषेक करने। उनको किसी तरह कोई तकलीफ नहीं, इसलिए सिविल डिफेंस के लोग भी तैनात है ताकि जो लोग भक्त जा रहे हैं बाबा को जलाभिषेक कर जो अपनी मनोकामना है वो मांगेंगे। मंदिरों में जो मंदिर है, जो सांची के मंदिर में जाकर जल अभिषेक करेंगे और बोलबम के नारों के साथ पूरा ये क्षेत्र गूंज रहा है। सहीवानगढ़ साथ प्रभात, न्यूज भारत, जमशेदपुर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।